हेलो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर सीरीज में आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी राइट सो इफ यू टॉक अबाउट द सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें एक मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि क्या है इसमें क्लाउड जो क्रिएट किया गया है डिफरेंट मीन जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने क्या किया रखा है डिफरेंट क्लाउड क्रिएट रखा है कर रखा है तो उस पर क्या है बहुत सारे यूजर्स का डेटा स्टोर होता है राइट तो उस केस में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे अटैकर्स वहां पे एक्टिव हो और जो भी डेटा स्टोर किया गया है यूजर यूजर ने जो भी डेटा स्टोर किया है उसको हैक करने के लिए या उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए या कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए राइट तो इस तरीके से क्या है कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है तो इट रिक्वायर्स कि वो डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज करें सो दैट कोई भी अनऑथराइज एक्सेस उस पर्टिकुलर डेटा को जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर किया गया है उसको चेक ना कर सके या यूज ना कर सके या उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन ना कर सके राइट right? तो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी देन वी विल डिस्कस कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस एंड इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी, राइट right? तो यहां पे मैंने एक सिंपल से डेफिनेशन मींस लिख रखी है क्लाउड कंप्यूटिंग की क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी की सिक्योरिटी एक्चुअली में होता क्या है तो क्लाउड सिक्योरिटी कंसिस्ट ऑफ, तो बेसिकली क्या क्या चीजें इसमें होती हैं? सेट ऑफ पॉलिसीज कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजीज राइट सेट ऑफ पॉलिसीज की बात करते हैं तो जो प्रोवाइडर है वो जो भी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर रहा है तो यहां पे क्या होगा ये डिफरेंट पॉलिसीज यहां पे प्रोवाइडर की होगी उसी पे बेस्ड यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी राइट देन कंट्रोल्स कंट्रोल्स का कंट्रोल कि जो भी यहां पे policies है उसका एग्जीक्यूशन राइट right? कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है या वो यूजर को किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है राइट देन प्रोसीजर्स प्रोसीजर्स मीन्स की वॉट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ यहां अप्लाइंग डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म राइट right? तो यहाँ पर डिफरेंट अल्गोरिदम्स यूज हो सकते हैं या डिफरेंट इस तरह के सर्विसेज या डिफरेंट मीनस प्रोसीजर्स डिफाइन कर सकते हैं कि जिसपे बेस्ड ये सारे जितने भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो वर्क करेंगे राइट एंड देन लास्ट वन इज द टेक्नोलॉजी मीन्स की जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन कौन से टेक्नोलॉजी पे बेस्ड डिफरेंट सिक्योरिटीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा है या उसकी सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड कर रहा है राइट तो बेसिकली इसको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी बेसिकली क्या करता है ये सारी चीजें कंसिस्ट करता है, जिसमें आपका पॉलिसीज़ हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा प्रोसीजर्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि एक साथ काम करेंगे ठीक है फॉर गेनिंग द सिक्योरिटी राइट यहां पे मैंने लिख रखा दैट वर्क गेडर्स टू प्रोटेक्ट क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स डेटा एंड इंफ्रास्ट्रक्चर राइट क्योंकि सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस अगर एग्जिस्ट कर रहा है वहां पर या कोई भी क्लाउड क्रिएट किया गया है वहां पर डेटा अगर यूजर स्टोर कर रहा है तो क्या क्या चीजें उसमें करेगा ठीक अब और एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि बेसिकली जो सर्विस डिलीवरी है यानी कि जो सर्विस यहां पे प्रोवाइड की जा रही है और जो भी आपका प्रोवाइडर है तो जो भी सिक्योरिटी पे यूज किए जाएंगे वो किस साइड से होगा आपका सर्विस प्रोवाइडर की साइड से यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है सर्विस डिलीवरी डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और द क्लाउड सर्विस सोल्यू क्लाउड सिक्योरिटी सोल्यूशंस राइट यानी कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे होगा या जो भी सिक्योरिटी सोल्यूशंस मीन्स कि जो यहाँ पे एक्टिव आपका मीन्स प्रोवाइडर्स हैं वो क्या क्या किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं या डिफरेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से यूज़ किए जा रहे हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी राइट right? तो ये है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी राइट अब अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी के में और आगे हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले चीज अब ये आ जाएगी कि अगर ये है सिक्योरिटी तो क्या इश्यूज मींस क्या रिक्वायरमेंट था कि क्यों सिक्योरिटी आपका यहां पे अप्लाई होना चाहिए या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं क्या इश्यूज हो सकते हैं अगर हम सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं अप्लाई करते हैं तो यहां पर मैंने बेसिकली मैंशन किए हैं कुछ पॉइंट्स कि अगर क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी अगर नहीं यूज करते तो बेसिकली उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम हो सकती हैं क्या चैलेंजेस एंड क्या इश्यूज हो सकते हैं तो इसको वन बाय वन अभी हम देख लेते हैं तो फर्स्ट इज डेटा लॉस राइट डेटा लॉस का मतलब ये कि अगर आपने क्लाउड पर डेटा स्टोर किया और अगर आपने इसको protect नहीं किया तो क्या होगा कोई भी उस data को कर 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 सकता 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 है 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 तो इस तरीके से वो डेटा आपका वहां पे सिक्योर नहीं रहेगा तो डेटा लॉस हो सकता है, right? है आपका क्लाउड सिक्योरिटी में वो है बेसिकली हैक्ड एंटरफेसिज एंड एपीआई दैट मीन्स की जो आपका प्रोवाइडर जिस भी यहाँ पे यूजर को सपोज डेटा अगर ट्रांसफर कर रहा है या इसने अगर सपोज कोई भी स्टोरेज प्रोवाइड कर रखा है यहाँ पे अगर यूजर ने अपना डेटा स्टोर किया हुआ है तो क्या है इट रिक्वायर्स सम एपीआई फॉर एक्सेसिंग द डेटा और फॉर स्टोरिंग द डेटा और फॉर यूजिंग द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर्स राइट तो यहाँ पे क्या होगा डिफरेंट एंटरफेसिस एंड डिफरेंट एपीआई ये यूज होंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली ये भी जो इंटरफेसेस यहां पे यूज हो रहे हैं जो एपीआई यूज हो रहे हैं इट कैन ऑल्सो भी ठीक है तो यहां पे क्या होगा इट रिक्वायर सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिंग द इंटरफेसेज एज वेल एज सिक्योरिंग द एपीआई राइट अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट चैलेंज या नेक्स्ट इश्यू क्या राइज हो सकता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोसेस में तो नेक्स्ट इज डेटा ब्रिज राइट डेटा ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि हैकिंग ऑफ डेटा हैकिंग ऑफ डेटा मतलब कि जो भी यहाँ पे सपोज किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर यूजर ने डेटा को स्टोर कर रखा है तो इसमें क्या होगा जो हैकर है वो पर्टिकुलरली उस डेटा को व्यू कर सकता है उसको अपडेट कर सकता है मॉडिफाई कर सकता है राइट right? तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होगा कि जो भी डेटा स्टोर हुआ है वो उसको हैकर

एक्सचेंज करते हैं यानी कि जो प्रोवाइडर होगा वो डिफरेंट वेंडर्स को यहां पे सर्विसेज सेल कर सकता है सो दैट कि ये वेंडर्स डिफरेंट यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो यहां पे क्या है कई सारे वेंडर इन्वॉल्व होते हैं ठीक है उसका डिफरेंट प्लेटफॉर्म होता है डिफरेंट इंटरफेसेस होते हैं वो डिफरेंट एपीआईज यूज करते हैं तो यहां पे भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस पर भी हैकिंग हो सकती है ठीक है मीन्स तो इसको भी सिक्योर करने की जरूरत है सो so दैट की ये सारी चीजें जिस भी वेंडर के पास है या जो भी प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहा है तो वो प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होगा डिवाइस सिक्योरिटी भी रिक्वायर्ड होगा एंड जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसका भी सिक्योरिटी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा राइट अब इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट इश्यू या नेक्स्ट चैलेंज कह सकते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक ठीक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका मीन्स अगर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा कंसर्न है ये हर जगह पे इसकी बात होती है तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें कि डिनाइल तो क्या है denial of service attack? तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि बेसिकली आप डेटा को यूज कर रहे हो तो सर्विस को, को यूज कर रहे हो उस पर उसको क्या करेगा बेसिकली एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक मीनस वो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा ऐसा प्रटेंड होगा कि उसपे बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आ गया है जिससे कि आप उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज नहीं कर पा रहे हो राइट तो ये है बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक दैट मीन्स की फ्लडिंग ऑफ सर्विस विथ सो मच ट्रैफिक तो यहाँ पे यूजर जो होगा जो किसी सर्विस को यूज कर रहा होगा उसको ऐसा लगेगा कि एक साथ बहुत सारा ट्रैफिक आ गया है उस पर्टिकुलर इंटरफेस या मीडियम पे जिससे कि उस पर्टिकुलर सर्विस को वो यूज नहीं कर पा रहा है और ये होता किसके थ्रू मीन्स कोई हैकर इस तरीके से उसमें उस मीडियम में बहुत सारा ट्रैफिक वहाँ पे इंक्लूड कर देता है जिससे कि ये पर्टिकुलर सर्विस ये यूजर को एट अ टाइम प्रोवाइड नहीं होती है राइट right? तो ये चीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक्चुअली में क्या है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मीन्स सर्विस तो अवेलेबल है बट हैकर ने इस तरीके का वहाँ पे कुछ क्रिएट कर रखा है जिससे कि डिफरेंट यूजर्स वहाँ पे सर्विसेज को यूज नहीं कर पा रहे हैं राइट right? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट इश्यूज अकाउंट हाई अकाउंट हाई का मतलब यह है कि जो भी यूजर है वो अगर क्लाउड की सर्विसेज को यूज कर रहा है तो क्या करता है कि वो चेक, username, एक एक यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू अकाउंट क्रिएट करता है जिसको कि पासवर्ड के थ्रू यहां पे सिक्योर करता है तो यहां पे देर कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी कि वो अकाउंट यहां पे हाईजैक हो सकता है या प्रोवाइडर के साइड से भी अगर वो जो अकाउंट यूज कर रहा है उसके भी हाईजैक होने के यहां पे चांसेस हो सकते हैं तो इसको भी सिक्योर करना रिक्वायर्ड है राइट अब नेक्स्ट इज मिसेशन मिस का मतलब यह है कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है यूजर को कई बार ऐसा होता है कि जो कंफिग्रेशन रिक्वायर्ड होता है उसको ना यूज करके कुछ और कंफिगुरेशन वहां पे इसने क्रिएट कर दिया जिससे कि ये प्रॉपर सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड नहीं कर पाता है राइट right?

वो अगर आपने पासवर्ड सपोज उस पर पुट किया तो वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो ही रहा है तो वहां से भी आपका क्रेडेंशियल्स ये हो सकते हैं मीन्स कि वो कोई भी हैकर क्या कर सकता है या कोई भी अटैकर क्या कर सकता है वहां से आपके इस पर्टिकुलर यूजर और पासवर्ड को रिकवर कर सकता है और उसको चेंज करके खुद सर्विसेज यूज कर सकता है राइट right? अब नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी अटैक्स साइबर सिक्योरिटी अटैक्स की हम बात करें तो बहुत सारे इसमें अटैक्स हो जाते हैं आपके लाइक आपका जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया या प्राइवेसी पे डिफरेंट अटैक्स हो जाते हैं या ऑथेंटिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये इस टाइप के जितने भी अटैक्स होते हैं ये इसमें आपके साइबर सिक्योरिटी अटैक्स में आते हैं जो कि मीन्स डिफरेंट हैकर वो आपके पर्टिकुलर उस डेटा पे या सिस्टम पे अटैक कर सकते हैं राइट नेक्स्ट इज लास्ट वन है आपका डेटा प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी राइट प्राइवेसी का मीन्स यहाँ पे सिंपली कि जो अनऑथराइज एक्सेस मीन्स कि आपका जो भी डेटा है वो प्राइवेट होना चाहिए सो so दैट कोई भी अनऑथराइज एक्सेस उसको यूज ना कर सके एंड लास्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स कि जिसको एक्सेस प्रोवाइड किया जाए सिर्फ और सिर्फ वही यूज कर कर सके मीन्स कि अगर जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपका डेटा स्टोर है वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए सो so दैट कि कोई और उसको एक्सेस ना कर पाए राइट right? तो ये है वेरियस चैलेंजेस एंड इश्यूज इन क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी प्रोसेस राइट मींस कि अगर आप कोई भी सिस्टम सपोज डिजाइन करते हो ठीक है या कोई भी प्रोवाइडर सर्विसेज को अगर कंफिगर करता है तो बेसिकली ये सारे इश्यूज उसको ध्यान में रखने चाहिए कि इन सब का मीन्स सॉल्यूशन वो प्रोवाइड करे सो so दैट कि इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर प्रोसेस में अराइज ना हो तभी ये सिक्योर डेटा या सिक्योर सर्विसेज यूजर को प्रोवाइड की जा सकती हैं राइट सो so, आज के लिए बस इतना ही बाकी की चीज़ें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो ठीक है और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो थैंक यू सो मच